हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर की हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफेक्टिवली, मतलब कि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली के बीच में हमने डिफरेंस कल किया था। आज हम करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपका क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, आपका क्वेश्चन बन के आए व्हाट आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तब भी आपका यही आंसर रहेगा। क्वेश्चन बन के आए व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, तब भी सेम आंसर रहेगा और फीचर्स में भी सेम आंसर ही रहेगा। मतलब तीनों में से आपसे कुछ भी क्वेश्चन पुट होके आ जाए, आपका जो आंसर है वो सेम रहने वाला है। फर्स्ट पॉइंट क्या है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का? सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेचर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर होते क्या हैं। फीचर्स करेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं कि विशेषताएं, मतलब कि उस चीज़ की क्या विशेषता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ भी चीज़ लेके चलते हैं, कुछ भी हम परचेज करने भी जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है माइंड में कि क्या उसके फीचर्स हैं। मतलब अगर हमें टीवी भी परचेज करना है तो टीवी या एलईडी के लिए भी सबसे पहले क्या सोचेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। उन फीचर्स को देख के ही तो आप वो चीज़ मतलब यूज़ में लेके आते हो, चीज़ परचेज करते हो। वैसे ही बात करते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब किन किन फीचर्स से मैनेजमेंट इफेक्टिव बनता है, किस किन चीज़ों से मैनेजमेंट को हम यूज़ में लेके आते हैं। मैनेजमेंट को हम यूज़ ही क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, इन फीचर्स की वजह से। फर्स्ट फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो हमारा मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि मैनेजमेंट आप यूज़ करते हो जब आपको कोई गोल अचीव करना होता है। जैसे किसी कंपनी ने अपना टारगेट रखा कि वो इस ईयर कम से कम 100 करोड़ से के बार अपनी सेल इंक्रीज करेगा, तो 100 करोड़ से सेल इंक्रीज करना, 100 करोड़ से अपनी बिक्री बढ़ाना, वो आपका एक टारगेट है, वो आपका एक गोल है। और उस गोल को अचीव करना ही क्या है? मैनेजमेंट। मतलब वो गोल हमें कैसे अचीव करना है और अचीव कैसे करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, मतलब कम से कम आपके जो कॉस्ट पे और प्रॉपर टाइम के अंदर वो चीज़ टारगेट है वो अचीव हो सके। ऐसा ना हो कि वो टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ गई, या कॉस्ट कम करने के चक्कर में आपने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया उस चीज़ पे। तो मैनेजमेंट का एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट क्या सिखाती है आपको कि आपको गोल कैसे अचीव करना है और वो कम से कम कॉस्ट पे अचीव करना है और कम से कम टाइम अचीव करना है, ताकि वो जो आपका टारगेट है वो अच्छे से फुलफिल हो सके। तो जो मैनेजमेंट है वो आपके किसी ना किसी गोल को लेके चलते, किसी ना किसी टारगेट को लेके चलते, उस टारगेट को अचीव करना ही क्या है मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव। ऑल प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है कि हर जगह, मतलब मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में बात करोगे तो वहाँ भी मैनेजमेंट होती है, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में बात करोगे तो वहाँ भी मैनेजमेंट होती है, अगर आप होटल में बात करते हो तो होटल में भी मैनेजमेंट होती है। मतलब कि वहाँ का स्टाफ, वहाँ की सर्विंग जो है, फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, तो हर जगह मैनेजमेंट अप्लाई होता है। आप घर की बात करो, घर में भी अगर चीज़ें सब कुछ बिखरी पड़ी होंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए कि हाँ, ये यहाँ रखा जाएगा, टेबल यहाँ रखी जाएगी, चेयर यहाँ रखी जाएगी, तभी वो चीज़ एक प्रॉपर अच्छी लगती है, मतलब ठीक लगती है। तो मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। मैनेजमेंट ऑल प्रोग्रेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ में बात करो, स्कूल में, कॉलेज में, होटल में, होम में, हर जगह जो है आपकी मैनेजमेंट अप्लाई होती है, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट वो चीज़ प्रॉपर आप अचीव नहीं कर सकते। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस। जैसे कि हमने कल बात की थी, सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रोसेस में आता है सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग में आप प्लान करते हो कि वो काम करना कैसे है। सेकंड आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, कि वो चीज़ें उन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना कि हमें वो काम कैसे अचीव करना है, कहाँ कहाँ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कैसे मतलब कहाँ हमें नीड है। और थर्ड आपका जो स्टेप आता है वो आता है स्टाफिंग, मतलब स्टाफ को रिक्रूट करना, स्टाफ को सिलेक्ट करना और स्टाफ को ट्रेन करना। फोर्थ जो आपका आता है डायरेक्टिंग, जो आपने स्टाफ सेलेक्ट किया है, रिक्रूट किया है, उसको प्रॉपर डायरेक्ट करना, उनको दिशा निर्देश देना, उनको डायरेक्शंस देना कि कैसे कैसे वो काम करना है। और फिफ्थ जो आपका आता है, लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि अगर आपने स्टैंडर्ड्स कुछ और फिक्स किया था और एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आ रही है,
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एक्चुअल रिजल्ट उस स्टैंडर्ड में डेविएशन है, फॉर एग्जांपल आप लेके चले थे कि 3 दिनों में कम से कम मुझे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है और 3 दिनों में आपकी 90,000 प्रोड्यूस हो पाई, मीन्स 10,000 का कम क्यों प्रोड्यूस हुए और डेविएशन क्यों आया, तो डेविएशन को कंट्रोल करना ही आपका लास्ट स्टेप है। अब मान के चलो कंट्रोलिंग हो गया, सब कुछ चल रहा है अच्छे से, फिर से कोई नया टारगेट आया, फिर से वही मैंने प्लानिंग, फिर से वही ऑर्गेनाइजिंग, फिर से वही स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो मैनेजमेंट का एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलती ही रहती है। फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जो आपकी मैनेजमेंट है वह ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब अकेला तो नहीं कर सकता ना कोई काम, तो ग्रुप एक्टिविटी है कि जहाँ पर ग्रुप को कैसे काम करना सिखाना है, मतलब कैसे ग्रुप में काम करना है। अब हर कोई अलग अलग काम करेगा तो वो काम कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम एक टीम वर्क लेके चलेंगे या हम ग्रुप में काम करेंगे तो वो काम अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो मैनेजमेंट आपको क्या बताता है कि ग्रुप एक्टिविटी मतलब कैसे वो ग्रुप में काम करना है, कैसे तरीके से वो चीज़ें हमें टारगेट को अचीव करना है। फिफ्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस और डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स होता है कि परिवर्तनशील, दैट मीन चेंज होने वाला। जो मैनेजमेंट है वो आपका चेंज होने वाला फंक्शन है, डायनेमिक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे कि अभी कोविड से पहले की सिचुएशंस कुछ और थी, वहाँ पर मैनेजमेंट कुछ और तरीके से काम कर पा रही थी, बट जब कोविड आया तो सब कुछ चेंज हो गया। अब ऐसे नहीं है कि जो जैसे प्लानिंग हमने पहले की थी सेम टू सेम हम कोविड में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होने वाला फंक्शन है। मतलब ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं रहेगा, जो प्लानिंग हमने की थी एज इट इज़ हमें चलाएंगे, या जो सिचुएशंस में हमने पहले उसको अप्लाई किया था आज कोविड में भी वही चल पाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि वही सिचुएशंस वही काम हो पाएगा। तो मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है, मतलब कि चेंज होने वाला है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन द मैनेजमेंट चेंज होती है, अपनी प्लानिंग, अपनी ऑर्गेनाइजिंग, अपने स्टाफ को, हर चीज़ को वो चेंज कर दिए। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट का एक इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स ना दिखने वाला। अब कुछ चीज़ें, अब मान के चलो हम किसी होटल में गए हैं और हम वहाँ टेबल पे बैठ गए, उसके बाद वहाँ पे मतलब बहुत फास्टली काम हो रहा है, बहुत फास्टली उन्होंने ऑर्डर लिया, बहुत फास्टली वहाँ से हमारा फूड आ गया, अच्छे से वहाँ पे बिल मैनेजमेंट हर चीज़ अच्छे से है, तो मतलब हमें वो दिख नहीं रहा कि कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, या फिर हमें नहीं दिख रहा कि कितनी अच्छी मैनेजमेंट है, बट मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी, इसी वजह से यहाँ पे बहुत स्पीडली काम हो रहा है। मतलब कि मैनेजमेंट कहीं भी दिखने वाला फंक्शन नहीं है, इनटेंजिबल है, मीन्स ना दिखने वाला फोर्स है कि जिसको आप देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं कि हाँ यहाँ की मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छी होगी। आप किसी यूनिवर्सिटी में गए वहाँ पर आपका जाते ही आपका मतलब कि बहुत स्पीडली आपका काम बन रहा है, ऐसे नहीं कि आपका कोई काम भाई आज गए आप फिर 3 दिन बाद फिर जा रहे हैं, फिर वो काम ही नहीं बन रहा, तो मीन्स वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। और अगर आपके जाते काम बन रहा है, आप होटल में गए फटाफट आपका पहले ऑर्डर लिया गया, फिर आपका फूड आ गया जल्दी जल्दी, तो मीन्स वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी है, आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि मल्टी डायमेंशन मीन्स अलग अलग आयाम है इसके, अलग अलग जगह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि पीपल को कैसे मैनेज करना है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, अगर अच्छी बड़ी हमारी संस्था है तो वहाँ पर 1 लाख अराउंड एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो उन सब एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, कैसे उनको टीम वर्क में काम बांटना है, कैसे उनसे काम करवाना है, तो पीपल की मैनेजमेंट भी हमारे इसी के अंदर आती है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि काम को कैसे मैनेज करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमने हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर दिया, तो काम को कैसे मैनेज करना है, अपने ऑपरेशन को कैसे मैनेज करना है, वो सब भी आपका किस में आता है, मैनेजमेंट में ही। मतलब ये फीचर्स है मैनेजमेंट के, ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप एक्टिविटी है, डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबल फोर्स है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कि पीपल को भी मैनेज करना सिखाता है, वर्क को भी मैनेज करता है, ऑपरेशंस मीन्स जो आपके गुड सर्विसेज हैं, गुड्स है फैक्ट्री से, सबसे पहले फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आना, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स को बाहर सप्लाई करना पब्लिक के अंदर, तो ये भी आपके ऑपरेशंस जो हैं उन ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको सप्लाई करना है कल की कल और आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी, मतलब वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। बेटर कब रहेगा कि अगर आपको कल कुछ सप्लाई करना है ऑर्डर और आपके पास आज वो फिनिश गुड्स है, तो वो चीज़ मैनेजमेंट अच्छी है। मतलब आपके पास हर चीज़ पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए,
तभी वहाँ का जो टारगेट है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो अच्छी कहलाएगी। ऑर्डर कल देना है और आज तक हमारे पास वो मटेरियल नहीं है, तो वो चीज़ वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो कैसे ऑपरेशंस को मैनेज करना है, ये भी हमारे एक मैनेजमेंट की फीचर है कि कैसे वो काम, मतलब इसमें विशेषता है कि यहाँ पर ऑपरेशन को भी आप मैनेज कर सकते हैं, काम को भी कर सकते हैं, वर्क को भी कर सकते हैं और पीपल को भी कर सकते हैं। तो ये थी नेचर, फीचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है या आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।